हर किसी के लिए प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी के 9 महीने बड़े आराम से गुजर जाते हैं तो किसी को काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वैसा देखा जाए तो इस समय औरतों के शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं। 9 महीनों में हॉर्मोन्स भी बदलते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में मूड स्विंग्स के साथ साथ बॉडी पर हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान शरीर पर आए बाल हमेशा के लिए रहते हैं या टेम्पररी, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाले बालों की ग्रोथ की। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी हेयर्स में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाओं के बालों का टेक्सचर पूरी तरह से बदल जाता है, वहीं कुछ को लगता है कि उनके बाल मोटे या ज्यादा हो गए हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में नए बाल नहीं आते और जो पहले से हैं हमारी बॉडी पर बाल होते हैं वो भी मोटे नहीं होते हैं, लेकिन 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 शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बनने की वजह से बालों का ग्रोथ स्टेज लंबा हो जाता है। आमतौर पर महिलाओं के दिन में 100 बाल झड़ते हैं और 5 से 15% बाल रेस्टिंग फेज में होते हैं, जबकि बाकी के बाल ग्रोथ फेज में होते हैं। रेस्टिंग फेज के बाद कंघी या शैम्पू करने पर भी ये बाल गिरने लगते हैं। वहीं प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से ग्रोथ फेज लंबा हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बाल कम झड़ते हैं, जिससे आपके अपने बाल घने लगने लगते हैं। प्रेगनेंसी में आपको सिर के ही नहीं बल्कि चेहरे या शरीर पर भी ज्यादा बाल नजर आ सकते हैं और इसका कारण है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का बढ़ना। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से अनचाहे बाल आने लगते हैं, लेकिन इसके अलावा विटामिन का हद से ज्यादा इंटेक, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से भी प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर पर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में हुआ कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होता। डिलीवरी के 3 से 6 महीने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़िए काय के साथ। नमस्कार।